Now it is your next part, that is find square roots by division method. अब division method से square roots कैसे करेंगे? Direct ये आएगा, square इसको हम direct find out कर सकेंगे इस process के according. इसमें given है 576. तो firstly करना क्या है इसमें, इसके square roots find out करने के लिए इस number को हम करेंगे क्या, इस तरह दो लाइंस इसके करने हैं. फैक्टराइजेशन में जिसमें ओनली वन लाइंस का यूज करते थे, इसमें डबल लाइंस इस तरह बनाने हैं. अब देखेंगे जो नंबर गिवन द नंबर्स, इसको पेयर करने, पेयर करना है किधर से, राइट साइड से. ये डबल नंबर के क्या किया हमने, हमने पेयर किया. तो नंबर चाहे 3 हो 4 हो, हमें पेयर डबल से करना है, दो नंबर से लेना है और वो राइट साइड से लेना है. और लास्ट में यदि वन नंबर बच जाए तो इसको कोई मतलब, कोई प्रॉब्लम नहीं, वन नंबर्स इसको रहने देते हैं, 5 है. तो अब इसमें देखेंगे, अब जिस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं उसी नंबर से के प्रोडक्ट से इसको क्या करते हैं, हम इसको हम डिवाइड करते हैं. दैट मींस 2, हम देख रहे हैं 5 है, तो 5 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करने होंगे. दैट मींस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4. कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं. तो 2 जा आ गया 4, 5 में से 4 जाएगा 1 और ये होल नंबर यहां आ गया 76. टोटल जो इसके जो पेयर में लगे हुए हैं टोटल नंबर यहां आ गए. तो फर्स्ट नंबर हमने किससे किया, 2 से किया, तो 2 हम क्वेशेंट में यहां लिखेंगे. नेक्स्ट देखेंगे, अब इस दोनों डिजिट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ऐड करते हैं. तो 2 हो जाएगा 4, अगेन आ गया 4. अब 4 में अब ऐसे नंबर चूज करने हैं जिससे हम देखेंगे 176 आए. तो हम देखेंगे ऐसे कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर यूनिट प्लस 6 होता है, हम कहेंगे 4 एंड 6 का होता है. तो 4 एंड 6 दैट मींस या तो 46 मल्टीप्लाई 46 करने होंगे, 46 मल्टीप्लाई 6 करने होंगे, या 44 मल्टीप्लाई 4 करने होंगे. बिकॉज हम कहेंगे यदि यहां 4 डाल रहे हैं तो आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, जो 4 डाल रहे हैं तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. दैट मींस 44 लेते हैं तो 4 4 16 176, ये आ गया 176. दैट मींस 44 यहां पर सुटेबल है इसके लिए और ये कट के आ गया 0. दैट मींस यहां 4 आ गया, तो यहां से डायरेक्ट हम स्क्वायर रूट्स 576 का क्या आ गया, 24. यहां से ले आए 24. दैट इज कॉल्ड डिविजन मेथड. इस तरह से हम कर सकते हैं इसके डिवाइड. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे. जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये गिवन है 4 3 4 3 5 6. इस तरह का एग्जांपल हमने ली, अगेन हम डबल लाइनिंग कर दिया. और डबल लाइनिंग करने के बाद आफ्टर डबल लाइनिंग यू शुड हैव पेयर करने, राइट साइड से पेयर करने दो नंबर के, हमने पेयर लगा दिए. अब इसके डिवाइड करना हम क्या करेंगे स्टार्ट. हम देख रहे हैं यहां पर क्या है, आपके जो क्वेश्चन गिवन है 4 3 5 6 गिवन है. ऐसे नंबर्स को करने हैं जो सेम इस नंबर के या तो इक्वल आ जाए तो और ज्यादा बेटर है, जिस तरह डिवाइड में करते हैं. तो हम कर रहे हैं 6 6 जा 36 होता है. ऐसे ज्यादा यदि 7 लेंगे तो 7 7 जा 49 हो जाएगा. तो 6 हमने लिया, तो 6 लिया तो 6 यहां पर क्वेशेंट में लिखेंगे. अब हमने क्या बोला कि 6 एंड 6 जिस नंबर से किए डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई किए और ये दोनों ऐड हो जाते हैं, दैट विल बी 12. मींस 4 हो जाएगा, 6 एंड 6 4 12 आ गया. नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको करते क्या है, माइनस करेंगे. 13 में से 6 जाएगा, 7 आएगा, आ गया 5 6 700. ये 5 6 को हमने क्या किया, नीचे इसको लिखा, 5 6 को नीचे उतार दिया, 7 5 6. अब 100 यहां पर आया 12. अब 12 है, यहां हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट प्लेस नंबर जो है ये 6 है. तो 6 है तो हम ऐसे नंबर चूज करेंगे, 6 है तो ऐसे कौन से नंबर से हमें करना पड़ेगा, या तो देखेंगे यहां यूनिट डिजिट प्लेस नंबर 6 है तो या तो ये यहां 104 मीन्स 4 से इसको मल्टीप्लाई करने होंगे, अदरवाइज 126 से मल्टीप्लाई करने होंगे. हम 6 से करके देखते हैं, 6 6 जा 36,
थ्री सिक्स टू जा ट्वेल्व फाइव, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन, वन आ गए सिक्स वन सेवन, तो 756 मीन्स 6 से हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई किया और आ गया 126 मल्टीप्लाई 6 दैट विल बी 756 और ये कट के आ गए जीरो। जैसे ही आर एक्स जीरो आ गया मीन्स इसके रिमाइंडर जीरो आ गए, यहाँ आ गया 6, तो ये फाइनली इसके आ गए स्क्वायर रूट्स, दैट मीन्स 4356 स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे किसके 1666 के 66 से। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने स्क्वायर रूट्स डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना सीखा। इसके नेक्स्ट एग्जांपल यदि चाहेंगे तो नेक्स्ट और एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 5929 फाइंड इट स्क्वायर रूट्स, रूट्स इसके लाने हैं। तो सेम जो प्रोसेस है हमने क्या किया पेयर लगाया राइट साइड से डबल नंबर का पेयर लगाया, दो पेयर आ गए। अब देख रहे हैं 59 आ रहे हैं, तो 59 आ रहे हैं तो 59 ऐसे किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो 50 नंबर आए 59 आएगा, 7 नंबर लेना है तो हम कहेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 49, बट 8 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 64, तो 8 मल्टीप्लाई 8 तो 64, ये तो लार्जर नंबर आ रहे हैं, हमको लेना पड़ेगा 7 मल्टीप्लाई 7 मीन 7 से इसको खिलाना पड़ेगा। तो 7 × 7 ये 7 बार में आया, आ गया 49, तो 9 इसको माइनस कर देंगे 9 9 0 5 4 जाएगा 1, तो 7 7 हो गया 14, नेक्स्ट आएगा 29, अब आ गया 29। अब यहां से देखेंगे ये यूनिट डिजिट प्लेस नंबर क्या है 9। आप तो ये सोचोगे ना कि अब किस नंबर से करें जो इसे हम ये नंबर आए, वही ट्रिक बता रहे हैं कि वो नंबर कैसे हमें सोचना है समझना है। तो यहाँ यूनिट प्लेस नंबर क्या है 9 है, तो यूनिट प्लेस नंबर किस नंबर के स्क्वायर से मल्टीपल से आता है 9, हम कहेंगे या तो वो नंबर होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा, मीन्स 143 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं और या नहीं तो 147 मल्टीप्लाई 7 कर सकते हैं। तो आप गौर से सोचे क्या 143 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 1029 आएंगे, कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें क्या लेना होगा 7 लेना होगा, तो 7 से खिलाए इसको, यहां हमने लिख दिया 7 और 7 7 जाइए क्या होता है 1029 होता है और ये एग्जैक्टली ये कटकर जीरो आ गए, दैट मीन्स यहां से स्क्वायर रूट्स आ गया इस रूट 5929 इक्वल टू 77, दैट इज योर राइट आंसर, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हमने डिवीजन मेथड अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड फाइंड स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करना देखा। अब नेक्स्ट जो देखेंगे ट्रिक से जस्ट देखने के साथ कैसे आंसर आ जाएगा इस ट्रिक को भी सीखना है।